राजस्थान में बीजेपी के दिग्गज नेता करोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को लेकर एक बार फिर सियासी पारा तेज हो गया है। दौसा में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए मीणा ने अपने इस्तीफे को लेकर फिर से बड़ा बयान दिया है। करोड़ीलाल बोले, मैं तो अपना मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूँ, मेरे को तो पता भी नहीं है कि मंत्री हूँ या नहीं, कुछ तय नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मैं श्वेत जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल हाल ही में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने करोड़ीलाल के इस्तीफे को लेकर प्रतिक्रिया दी थी और बोले थे, करोड़ीलाल मीणा मंत्री हैं, मंत्री थे और मंत्री रहेंगे। करोड़ीलाल लोगों के विकास की हमेशा चिंता करते हैं, वो मंत्री रहेंगे। अब जब इसको लेकर करोड़ीलाल से सवाल किया गया तो उन्होंने पहले तो अपने मुंह पर उंगली लगा ली, इसके बाद जब उनसे लगातार सवाल पूछे गए तो मीणा बोले, मैं तो संतरी हूँ, पार्टी का संतरी बनकर ही काम करूंगा। पार्टी के लिए मंत्री और संतरी दोनों समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, पार्टी से बढ़कर कोई भी नहीं है। सुनिए करोड़ीलाल क्या कुछ बोले। मैं संतरी हूँ पार्टी का, शुरू से कार्यकर्ता रहा हूँ। मंत्री और संतरी पार्टी की नजर में बराबर होते हैं, कोई बड़ा नहीं होता, पार्टी और संगठन से कोई बड़ा नहीं। वही हाल ही में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की तरफ से कांग्रेस और सचिन पायलट को लेकर दिए बयान से मचे बवाल को लेकर मीणा बोले, उन्होंने कोई अमर्यादित भाषा या शब्दों का उपयोग नहीं किया, बल्कि कांग्रेस धर्म, जाति, भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद पर राजनीति करती आई, ऐसे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।